गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सो वेलकम टू द प्रीवियस बूस्टर सेशन आज का पहला टॉपिक है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है सोशल इश्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है यूनियन गवर्नमेंट ने आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एक साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया है और ये पूरा दो जो है वो चलाई जाएगी स्कीम लगभग 1.8 लाख करोड़ लग आ, कह सकते हो दो लाख करोड़ तक का खर्चा आने वाला है गवर्नमेंट को और इसमें होता क्या है कि जो पुअर हैं उनको 5 के तक का फूड ग्रेन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है जो अदरवाइज़ जो आपके नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में इनको तीन रुपये पर किलो राइस और टू रुपीज़ पर के जी जो है वीट मिलता है वो इनको फ्री में मिलता है अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम ठीक है अब इसमें लगभग मंथली चालीस लाख मैट्रिक टन जो है वो आपका जो है ग्रेन लगने वाला है और गवर्नमेंट को जो है 1.8 लाख करोड़ पर ईयर का जो है वो खर्चा आने वाला है तो प्रधानमंत्री गरीब अन् कल्याण अन्न योजना आपको याद होगा कि फूड सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम है कोविड के टाइम पर अनाउंस की गई थी मार्च 2020 में अब सारे प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स उनको जो है ये इसमें जो है पूरा पूरा सिटीजन्स को जो फीड किया जाता है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है अंत्योदय अन्न योजना उसके अंदर जो हाईली सब्सिडाइज फूड मिलता है उसी को इसमें फ्री कर दिया गया राधा ठीक है तो अंत्योदय अन्न योजना भी आपके एन एफ एस का ही पार्ट है यादा आपको पता होगा ये स्कीम को जो इंप्लीमेंट कर रहा है वो है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक ट्रांस डिस्ट्रीब्यूशन लगभग अस्सी करोड़ बेनिफिशरीज़ को पाँच किलो फ्री वीट या राइस पर पर्सन पर मंथ मिलता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर वही जो है इनको फ्री मिल रहा है अगर कह सकते हैं इसको हम लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम इन द वर्ल्ड है बेसिकली नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 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 आपका जो जो वो आपको एक लीगल राइट right देता है पीपल को uh, जो है, uh, को बेनिफिशरीज जिनको स्टेट गवर्नमेंट uh, जो है वो आइडेंटिफाई करती है अंत्योदय अन्न योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्ड के अंदर ठीक है तो अब जो है uh, लगभग पचहत्तर परसेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन फिफ्टी परसेंट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इसके अंदर कवर है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अवैटमेंट ऑफ सुसाइड तो सोशल uh, इशूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है तो आपके जो है एक एक्ट्रेस की जो है वो अभी सुसाइड uh, से जो है वो डेथ हुई है तो उस केस में उनके जो फ्रेंड है उनको जो है अवैटमेंट ऑफ सुसाइड के केस में जो है वो पकड़ लिया गया है तो सेक्शन थ्री हंड्रेड सिक्स जो है आई पी सी का उसके अंदर जेल टर्म जो है वो दस साल या फिर फ़ाइन जो है वो या फिर बोथ भी हो सकता है अवैटमेंट करने के लिए अब कोई भी पर्सन अगर सुसाइड करता है और उस में उसको उकसाने वाला जो भी पर्सन होता है उस केस में उसको हम अबैटमेंट ऑफ सुसाइड कहते हैं तो सेक्शन 107 में भी और सेक्शन 108 में भी दोनों में भी जो है अबैटर को जो है डिफाइन किया गया है और ये अबैटमेंट ऑफ सुसाइड जो है इसको सेशन्स कोर्ट में जो है ट्राई किया जाता है नॉन है uh, बेनेडेबल भी है कॉग्निजेबल भी है नॉन कंपाउंडेबल भी है कॉग्निजेबल मतलब पुलिस ऑफिसर जो है बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है नॉन बेलेबल मतलब बेल जो है वो पर्सन को जो सिर्फ कोर्ट से ही मिल सकती है नॉन कंपाउंडेबल का मतलब होता है कि चाहे कंप्लेन जिस कंप्लेट जिसने की है और जिसने जिसके जो अक्यूज़ है वो चाहे कोई एग्रीमेंट भी कर लें चाहे फिर भी जो है उसको कोर्ट में जो है वो लेके जाया ही जाता है केस को नेक्स्ट <coughs> हम देखते हैं कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जो है क्या वो मर्डर की तरह ही होता है नहीं सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया 1997 में कि क्योंकि दोनों का फाइनल एक्ट जो है वो डिफरेंट है ऑफ कोर्स जब आपने मर्डर किया किसी का तब तो आपका जो फाइनल एक्ट है वो ऑफ कोर्स डेथ ही कॉज कर रहा है लेकिन अबैटमेंट ऑफ सुसाइड में देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो पर्सन जो है वो सुसाइड ना करे चाहे मैं कितना भी किसी को बैट करूँ हो सकता है कि वो पर्सन सुसाइड ना करे तो इसलिए इसको हम मर्डर की कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सोशल मीडिया एपलेट पैनल्स गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी जो है उन्होंने अमेंडमेंट किए हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स के अंदर जिसमें गवर्नमेंट जो है वो एक या एक से ज़्यादा ग्रीवेंस एपलेट कमेटीज़ जो है वो अपॉइंट करने वाली है तो अब इसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आई जो है जो है अमेंडमेंट्स को नोटिफाई कर दिया है ग्रीवेंस एपलेट कमेटी से रिलेटेड और ऐसी तीन कमेटीज़ बनाने का गवर्नमेंट का प्लान है याद होगा आपको कि uh, जो आपके इंटरमीडरीज होते हैं वो आपकी वो एंटिटीज़ हैं जो कि ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सनस डेटा को स्टोर करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं तो उसी के लिए ही जो हमने अभी रिसेंटली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 जो है निकाले थे याद होगा फेबररी टू में हमने पढ़ा भी था इसके बारे में तो ये आई रूल्स क्या कहते हैं <coughs> कि जो ये इंटरमीडरीज़ हैं जो सोशल मीडिया इंटरमीडरीज हैं या जो भी इंटरमीडरीज़ हैं इनको अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करना है जो भी रेगुलेशंस, प्रिवसी पॉलिसी और यूज़र एग्रीमेंट है पीरियोडिकली यूज़र्स को टाइम टू टाइम बताते भी रहना है इसके बारे में फिर ग्रीवेंस रिड्रेसल मेकानिज़म भी होना चाहिए मतलब समझ लो आपको ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम जो भी आपके जो सोशल मीडिया इंटरमीडरीज़ हैं या इनको इन केस में इनको हम सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडरीज कहते हैं इनको एक आ, अपनी वेबसाइट पर ग्रीवेंस ऑफिसर का नेम को और उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स को पब्लिश करना है और कभी कोई भी उसको अगर ग्रीवेंस ऑफिसर को अप्रोच करता है तो उस कंप्लेंट को विदिन ट्वेंटी फोर आवर्स एक्नॉलेज करना है और उसको पंद्रह दिन के अंदर रिजॉल्व भी करना है अब एडिशनल ड्यू डिजेंस भी जो है वो रखने को कहा है मतलब इंटरमीडरीज जो कि कुछ सिर्फ ऑनलाइन इंटरेक्शन पर ही जो कहा काम करते हैं उनको हम ऑफकोर्स इंटरमीडिएट्स कहते हैं और जिनकी बहुत ज़्यादा बड़ी प्रेजेंस है जैसे फेसबुक ट्विटर इनको हम सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स कहते हैं तो इनको अपने पास जो है चीफ कम्पलाइंस ऑफिसर रखना है जो कि टाइम टू टाइम बताएगा कि कैसे जो वो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियमीडरी जो है वो एक्ट के साथ कंप्लाई कर रहा है इनको अपने जो है नॉर्डल कॉन्टैक्ट पर्सन ट्वेंटी फोर सेवन के लिए भी रखने हैं ठीक है <coughs> फिर जो आपके मैसेजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे व्हाट्सएप उनको गवर्नमेंट को विद इन इंडिया ये इनेबल करके देना है कि जो भी जिसने भी फर्स्ट वो मैसेज जो है जनरेट किया है उसकी जो है आइडेंटिटी क्या है ठीक है मतलब समझ लो मैंने कोई र्यूमर फैलाया है किसी दंगे के टाइम पर तो वो आगे फॉरवर्ड होता रहेगा बट जो व्हाट्सएप है उसको बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि सबसे पहले ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ ये पर्टिकुलर मैसेज ठीक है अब <coughs> इंटरमीड्रीस को अगर कोई भी ऐसा कंटेंट जिसको उनको रिमूव करना चाहिए अगर उनके पास वो आता है ऐसी कंप्लेंट आती है तो उनको 24 घंटे के अंदर उस कंटेंट को हटाना पड़ता है अब ये ओवरसाइड मैकेनिज्म जिसके अंदर जो ये कमेटीज़ बनाई जाती हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बना रही है ओवरसाइड कमेटी और इसमें जो है आई रूल्स जो है के अंदर ये मैंडेटरी है ठीक है अब आईटी टी ये कह रहे थे आपके कि सबको जो है जो भी यूज़र्स हैं उनके सिटीजन्स uh, की जो है राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो दिए गए हैं उनको जो है प्रोटेक्ट करना जिम्मेदारी है सिग्निफिक uh, जो है आपके सोशल मीडिया इंटरमीडरीज़ की और कोई भी इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन लिंक जो ऐसे सिक्स प्रोहिबिटेड कैटेगरीज ऑफ कंटेंट में आता है उसको जो है वो बहत्तर uh, घंटे के अंदर अंदर जो है वो रिमूव करके कंप्लेंट को रिजॉल्व करना है <coughs> अब जो ये ग्रीवेंस सब एपलेट कमेमेटीज़ होंगी ये जो गवर्नमेंट अपॉइंट करने वाली है इसमें एक चेयरपर्सन होंगे दो होल टाइम मेंबर्स होंगे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करेगी ऑफ कोर्स और ये जो ग्रीवेंस सब अपेलेट कमेटीज़ होंगी ये असिस्टेंट लेस्िस्टेंट्स सक, ले सकती हैं एडिकुएट एक्सपर्टीज़ या फिर जो है आपके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स से और ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मकानिज़म जो है उसको एक तरह से पूरा ऑनलाइन करने के लिए उसको और ज़्यादा रॉबस्ट करने के लिए ये कमेटीज़ बनाई जाएंगी ताकि ये सोशल सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स के ऊपर नज़र रख सकें नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेसल वैक्सीन साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो है भारत बायोटेक की जो है नेसल वैक्सीन को जो है इंटरनेशनल वैक्सीन को जो है वो अप्रूवल दे दिया है एज अ बूस्टर डोज फॉर फॉर एडल्ट्स तो ये ऑफकोर्स आपको पता होगा कि ये वाया नोज दी जाती है रेस्पिरेटरी पाथवेज़ को भी एक्सेस करती है ये और इसको नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एक स्मॉल सरेंज जिसके अंदर ऑफकोर्स आपके नीडल नहीं होती है वैसी सरेंज लेकिन इस सरेंज का इस्तेमाल करके जो है वो नॉस्ट्रिल्स में डाला जाता है <coughs> तो ये आपके सिर्फ ब्लड में ही नहीं बल्कि जो आपके नोज़ में और जो आपके थ्रोट में सेल्स होते हैं उनको भी जो है प्राइमरीली उनमें भी है इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है और वही कोर्स आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है कोविड के साथ है ना आपके नोज से ही एंटर करता है थ्रोट से ही एंटर करता है तो वहीं पर अगर आप इम्यूनिटी जनरेट कर दोगे तो वो टारगेट वहीं पर ही इम्यून सेल्स जो हैं वहीं पर ही वायरस को न्यूट्रलाइज़ कर देंगे ठीक है सो so इसको जो है क्योंकि इसमें कोई नीडल की ज़रूरत नहीं पड़ रही तो ऑफ़ कोर्स इसको लगाना बहुत आसान होता है इसके इसलिए बहुत ही ब्रॉडली इसको जो है हम आगे लेके जा सकते हैं एज़ अ बूस्टर डोज और इसको आसानी से एडमिनिस्टर भी किया जा सकता है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्रीन स्टील आपके इन्वायरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है तो यूनियन होम जो सॉरी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील जो है उन्होंने राज्यसभा को बताया है कि गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है कि ग्रीन स्टील जो है वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में यूज़ करना मैंडेटरी कर दे अब तो आपको पता है कि बहुत ही बड़ा हमारे लिए ये एक कंसर्न बन चुका है कि जो स्टील सेक्टर है वो बहुत हाईली पॉल्यूटिंग है और इसमें से जो अमिशन हैं वो हम 2005 से लेकर 2022 में 15 परसेंट तक तो कम कर चुके हैं लेकिन हमारा टारगेट है कि 2030 में एडिशनल 10 परसेंट और रिड्यूस करें अब मीडियम टर्म में अगर हम देखें हमारा ये प्लान है कि कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और स्टोरेज करें जो भी आपकी जो है कोल प्र, प्रोड्यूस सॉरी जो स्टील शेड्यूल स्टील प्रोड्यूस करने में जो एनर्जी लगती है उसमें से जो कार्बन एमिट होता है उसको हम कार्बन को कैप्चर करें और यूटिलाइज करें लॉन्ग टर्म प्लान में हम ओर बेस्ड जो है कोल या फिर कोल बेस्ड जो प्रोडक्शन है स्टील स्टील की उससे बिल्कुल डिफरेंट होकर हम हम जो है रीन्यूएबल्स जैसे ग्रीन हाइड्रोजन उसका यूज़ करते हुए हम कोल को बनाएँ ठीक है तो इंडिया का आयरन एंड स्टील सेक्टर जो है वो वर्ल्ड में लगभग जो है सेकेंड लार्ज इंडिया में लगभग सेकेंड लार्जेस्ट क्रूड स्टील प्रोड्यूसर बन चुका है ऑफ कोर्स इंडिया वर्ल्ड में आफ्टर चाइना और पिछले आठ साल में हमने अपनी कैपेसिटी को 120 मिलियन टनस ऑफ कर चुका है और अगर हम पर कैपिटा फिनिश स्टील की कंजम्पशन देखें 2020 में तो वो टू हंड्रेड फॉर द वर्ल्ड थी सिक्स हंड्रेड फॉर चाइना थी और इंडिया में वो सेवेंटी के पर कैपिटा थी ठीक है गवर्नमेंट ने नेशनल स्टील पॉलिसी भी निकाली है अब कुछ फैक्टर्स यहाँ पर दिए गए हैं कि जैसे कि लोकेशन जो है वो मैटर करती है मार्केट uh, पास में हो तो मैटर करती है मतलब कि इंडिया की स्टील इंडस्ट्री क्या कहाँ पर लोकेटेड है ठीक है जहाँ पर चीप ले, लेबर अवेलेबल हो जहाँ पर पानी ठीक से अवेलेबल हो इंडस्ट्रियल टाइम हो डाउन हो गवर्नमेंट इसेंटिव कैसे दे रही है पावर और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है तो उसके बेसिस पर इंडिया में जो है स्टील इंडस्ट्री की जो है वो जो आपको लोकेशन देखने को मिलेगी अब ग्रीन स्टील क्या होता है ग्रीन स्टील जो है वो आपके विदाउट यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूज बनाया जाता है पॉसिबली यूजिंग ग्रीन हाइड्रोजन जो कि सिर्फ आपका वाटर एमिट करेगी है ना लेकिन सारा स्टील हम ग्रीन नहीं बना सकते क्योंकि बहुत से जो है अगर हम ट्रेडिशनल ब्लास्ट फर्नेस से जो आपके कोल बेस्ड स्टील से इलेक्ट्रिक फर्नेस की तरफ जाएंगे तो ऑफकोर्स बहुत ही कम प्रोडक्शन हो पाएगी और हम जो है अगर देखें उसको ल, ल, हम आ, बड़े स्केल पे तो डीकार्बोनाइजेशन टारगेट्स को हम मिस कर देंगे फिर ग्रीन हाइड्रोजन भी अभी हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अवेलेबल नहीं है और बहुत महंगा है ग्रीन स्टील को बनाना क्योंकि क्लीन हाइड्रोजन जो है उसको प्रोड्यूस करने में हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग जाएंगे <coughs> तो जो इलेक्ट्रिक आग फर्नेस है उसकी तरफ को मूव करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जितनी जल, जल्दी हो सके हम उसकी तरफ मूव करें और उस टेक्नोलॉजी को स्केल अप करें ताकि जो महंगाई जो हमको महंगा लग रहा है ये ग्रीन हाइड्रोजन या ब्लू हाइड्रोजन वो हमारे को महंगा महंगा ना पड़े ठीक है सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सो so, ये आ, दिस टॉपिक आपके ये जो है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है वो इंश्योरेंस कवरेज भी दे रहा है आपसे फिशर्स को दो हज़ार में इसको लॉन्च किया गया था आत्मनिर्भर भारत स्कीम के अंडर और इसमें जो है ऑफकोर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कैपेसिटी है हम जो है एक अम्बरेला स्कीम इसको मानते हैं इसके अंदर सेंट्रल सेक्टर स्कीम है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और ये बेनिफिशरी भी ऑरिएटेड भी है नॉन बेनिफिशरी ऑरिएटेड भी है ठीक है हमारा मोटिव क्या है कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों को बढ़ाना है इन स्ट्रक्चर को बढ़ाना है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ाना है फिशरीज़ को मैनेज करना है और उसके एक उसको उस पूरे सेक्टर के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी देना है इसमें सारी स्टेट्स में सारी यूनियन टेरिटरीज़ में, में पाँच साल के लिए इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है दो तक और इसमें की एक्टिविटीज़ जैसे कि फ़िशिंग वेसल इंश्योरेंस न्यू अपग्रेड देना फ़िशिंग वेसल्स को एक्वाकल्चर को जो है अपग्रेड देना करना ठीक है तो ये सारा जो है इसमें किया जाता है तो आपके फिशरी सेक्टर को बढ़ाने के लिए स्कीम लाई गई है अब इसमें इंश्योरेंस कवरेज भी डाल दिया गया है ठीक है इंक्लूडिंग जो है एक्सीडेंटल या परमानेंट टोटल डिस डिसेबिलिटी जो आपकी इंश्योरेंस होती है वो भी फार्मर्स को या फ़िशरीज़ फार्मर्स को मिलती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसके अंदर सेंट्री स्पॉन्सर्ड स्कीम है ठीक है सेंट्रल सेक्टर स्कीम मोस्टली वो वो वाली वो स्कीम है जिसके अंदर प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं जिसमें कैपिटल ज्यादा लगती है तो गवर्नमेंट जो है वो कैपिटल शेयर करती है ठीक है सेंट्रल स्पॉसर्ड स्कीम में जो है पैसा आ, स्टेट और सेंटर दोनों शेयर करते हैं एंटायर प्रोजेक्ट की <coughs> नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं निर्माण एक्सेलेटर प्रोग्राम इकानमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कहा है कि हम पंद्रह स्टार्टअप्स को जो है वो निर्माण एक्सेलेटर प्रोग्राम के अंदर सिलेक्ट करेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे तो ये आपके जो है आई कानपुर का एक कोहट है वो इसको जो है इम्प्लीमेंट कर रहा है स्टार्टअप्स इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर जो है बनाया गया है आई कानपुर द्वारा और उसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो इसमें जो है स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रहा है ठीक है तो एक अम्ब्रैला प्रोग्राम है हम स्टार्टअप्स uh, को इसमें नर्चर करेंगे नेशनल तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो फंडिंग दे रहा है इसके लिए लगभग तीन से छः महीने के अंदर हम जो है एक एक्सेलरेटर को हम जो है फास्ट ट्रैक पर ले आएंगे और उसको जो है जो है आपके स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए हम इनेबल कर देंगे अब इसमें जो है आपके स्टार्टअप्स की ग्रोथ पोटेंशियल को फास्ट ट्रैक करना सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स जब उस पर्टिकुलर स्टार्टअप से रिलेटेड फील्ड्स में जो है उनको हेल्प करेंगे तो ऑफ़कोर्स स्टार्टअप्स जो है अच्छे से ग्रो करेंगे एक वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम कंट्री में क्रिएट हो जाएगा अब इसमें दो तरह की जो है वो ब्रॉड टाइप्स हैं ठीक है मतलब सेक्टोरल स्कीम्स जिसमें कि स्टार्टअप्स जो हैं जो एक पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर थीम पर जैसे कि आपकी स्मार्ट सिटीज़ मिशन हेल्थ केयर मिशन हेल्थ केयर जो है स्पेस सेक्टर लगा लगा लो उसमें अगर काम कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से प्रोग्राम्स बनाए गए हैं नॉन सेक्टोरल जो है वो बाकी स्टार्टअप जो कि मतलब बहुत ही एक तरह से जनरलाइज्ड स्टार्टअप्स हैं उनके ऊपर जो है उनको उनके ऊपर फोकस रखा जाता है ठीक है <laughs> नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एसिडिफिकेशन ऑफ ग्रेट लेक्स इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो नोआ है जो यूएस के उन्होंने कहा है कि बाय टू थाउजेंड ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका जो है वो भी एसिड उतनी एसिडिटेडिक एसिडिक हो, हो जाएंगे जितने हमारे ओशन्स हो रहे हैं क्योंकि एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इतनी बढ़ चुकी है कि वर्ल्ड के ओशंस जो हैं वो एसिडिक होना शुरू हो चुके हैं तो एसिडिफिकेशन क्या होती है जब आपके प्रोटॉन्स रिलीज़ हो जाते हैं आ, कुछ सब्सटेंसेस से इकोसिस्टम में उससे हमारे जो है वाटर की और सॉइल की जो है एसिडिटी बढ़ जाती है ठीक है तो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमोस्फेयर में वो बहुत ही तेज़ी से एब्जॉर्ब होने लगता है इससे हमारी जो है नेटिव बायोडावर्सिटी को इफेक्ट पड़ता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं ऑर्गेनिजम्स में जो आपके आपके वाटर बॉडीज़ में वो देखने को मिल जो होते हैं फिर आपके पूरे के पूरे इकोसिस्टम को जो है परमानेंटली ऑल्टर कर देता है अब जो हमारी ग्रेट लेक्स हैं ये हमारी फ़ाइव इंटरकनेक्टेड बॉडीज़ हैं यूएस कनाडा बॉर्डर पर सुपीरियर लेक आ, मिशिगन लेक लेक एरी लेक ऑनटारियो लेक तो ये जो है अगर हम देखें तो ये दो बीस हज़ार साल पहले बनी थी और ये आपके गल्फ़ ऑफ सेंट लॉरेंस जो है आपके नॉर्थ अटलांटिक में वहाँ पर जाकर ड्रेन होती हैं अब इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये वन फिफ ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल फ्रेश वाटर को कैरी करती हैं नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पेट्रीट सिस्टम ये आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है तो रिसेंटली बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने 1.85 बिलियन की मिलिट्री एड जो है यूक्रेन को दी है जिसमें पेट्रीऑट एयर डिफेंस सिस्टम भी है तो ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसको पहली बार नाइनटीन में गल्फ वॉर में यूज़ किया गया था बहुत ही मोबाइल सिस्टम है ये और इसमें जो है पावरफुल uh, रडार लगा गया है लगाया गया कंट्रोल स्टेशन है पावर जनरेटर है लॉन्च स्टेशन है और अदर सपोर्ट व्हीकल्स हैं इसका जो सिस्टम है उसके रडार की अगर हम कैपेसिटी देखें तो लगभग वन फिफ्टी किलोमीटर तक की है ठीक है बहुत ही डिमांड में है ये आपके मिडल ईस्ट में खासकर क्योंकि वहाँ पर ईरान से थ्रेट है जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज को और इसके जो बनाने वाली कंपनी है रेथियन उन्होंने कहा है कि लगभग ये डेढ़ सौ बालिस्टिक जो है वो उनको मोर देन फिफ्टी वन फिफ्टी जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स को ये इंटरसेप्ट कर चुका है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कहा है कि 656 स्टार्टअप्स को जो है वो अप्रूव्ड इनक्यूबेटर्स द्वारा सपोर्ट किया जा चुका है अंडर स्टार्टअप इंडिया सीड सीड फंड स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है वो एक नॉडल डिपार्टमेंट है जो इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है ऐसे स्टार्टअप्स को ताकि जो है उनको जो अभी प्रोटोटाइप डेवलपमेंट स्टेज पर हैं प्रूफ ऑफ कंसेप्ट स्टेज पर हैं प्रोडक्ट ट्रायल्स करवा रहे हैं मार्केट एंट्री में जो उनको खर्चा आएगा या उनको कमर्शलाइज़ करने में जो खर्चा आएगा उसमें जो है वो सीट फंडिंग दे रहे हैं ठीक है सो so, अब जो है स्टार्टअप्स के आपको पता ही है एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है कि दो साल से पुराने नहीं होने चाहिए दस लाख से ज़्यादा मॉनिटरी सपोर्ट नहीं मिला होना चाहिए इन स्टार्टअप्स को किसी भी और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम से इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स जो है वो एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए और ऐसा नहीं है कि जो है आपके जो है वो फॉरन ओन्ड हो शेयर होल्डिंग जो है वो इंडियन प्रमोटर्स की होनी चाहिए एटलीस्ट फिफ्टीन फिफ्टी वन परसेंट नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फ़ेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है तो uh, हमारी अगर हम uh, देखें तो वर्ल्ड वाइड अदर कंट्री में ही नहीं वर्ल्ड वाइड भी हम जो है एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेट की वजह से फेशियल टेक्नो रिकोगनीशन टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है तो बेसिकली वो टेक्नोलॉजी है जिसमें आपके बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन की जाती है एक इमेज से चाहे वीडियो से या फिर ऑडियो विजुअल एलिमेंट से और कुछ बायोमेट्रिक डेटा के को जो है वो यूज़ करते हुए जो है आपका जो आपका डिवाइस है वो आपके फेस को पहचान पाता है ठीक है तो आपके चाहे मोबाइल फोन हो चाहे आपको बैंक अकाउंट खोलना हो तब आप वीडियो के थ्रू आप अपने फेस को आइडेंटिफाई करवा सकते हो तो बहुत सी जगहों जगह परेशन टिक्न, रिक्नेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है ठीक है नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश So the first topic is Pradhan Mantri and Kalyan Anna Yojana so this topic is important for your social issues as well as your governance section so union government has recently extended the Pradhan Mantri and Kalyan Anna Yojana to December 2023 which was set to expire this month and uh, now of course the government will it will cost about 2 lakh crore rupees to the government to provide the benefits under the scheme uh, for the next one year and it gives a right uh, to these uh, um, uh, to the poor people to receive 5 kg of fruit, food grains free of cost and the uh Monthly requirement of this scheme would be about 40 lakh metric tons of uh, grains, and uh, basically it's a food security welfare scheme which was announced in March 2020 during the COVID pandemic, and uh, the aim is to feed the poorest citizens, uh, that is the uh, all the priority households in the country. It's a centrally sponsored scheme, and it, it gives highly. Uh, is a centrally sponsored scheme, and it gives highly subsidized food to millions, and now it is a part of NFSA, the National Food Security Act, and and <clears throat> the subsidy element has uh, has increased to such a level that the 80 crore beneficiaries are now receiving 5 kg of free wheat or rice per person per month so it is uh, touted to be as, it is called as the largest uh, food security program in the world and about the national food security act which uh, under uh, it uh, the it uh, this law provides a legal right to persons belonging to eligible household to receive food grains at subsidized prices okay but only this national food security act has been uh, changed in such a way that this 5 kg of uh, uh, rice or wheat uh, has been made free of uh, cost to the poor beneficiaries okay <clears throat> so every person in a uh, priority household category would receive uh, receives 5 kg of food grains per month at subsidized rate but now under this uh, pradhan mantri uh, kalyan anna yojana all this is free total free totally free and it covers about 75% of rural population and 50% of urban population so the next topic is abatement of suicide this topic is also important for your governance section so recently an actress has died uh, due to suicide and uh, her friend uh, has been arrested uh, under abetment of suicide charges and what is abetment of suicide under section 306 of ipc the <coughs> punishment is <coughs> prescribed for the abetment of suicide so under section 107 and 108 both the uh, abettor is defined under the uh, IPC so it just generally means that, that uh, you have instigated or engaged in a conspiracy or assisted uh, in, a, in uh, a person who has committed suicide so abetment of suicide is a serious offense it's a <clears throat> it is tried in sessions court and it is cognizable non-bailable and non-compoundable uh, but, but is it same as the murder no supreme court has clarified this in 1997 that the final act of causing death in a murder and abatement of society is different, so we cannot call it a murder. <clears throat> So, the next topic is social media appellate panels. This topic is important for governance section. So, uh, recently in uh, October, Ministry of Electronics and IT made amendments that, into the uh, information technology rules and uh, government is now set to appoint one or more grievance appellate committees uh, under this uh, particular rules. So, the plan is to have at least three such committees now and uh, these intermediaries, basically these intermediaries are those which... Uh, Store or transmit data on behalf of the uh, customers, and uh, uh, these rules were amended time to time as recently as in 2021 February. We discussed about it also. These intermediaries' rules were announced, uh, amended rules were announced, and <clears throat> now. <clears throat> these intermediaries will have to publish on their website the regulations privacy policy and the user agreement prominently and they have to remind their users periodically about the same uh, they also have to prominently push, uh, publish the details contact details of the grievance officer and uh, uh, in case of a complaint received by that grievance officer it has to be mandatorily uh, uh, acknowledged within 24 hours and resolve it within 15 days from its receipt and <clears throat> intermediaries which uh, enables uh, online interaction uh, between two or more users these rules apply to them and what are significant social media intermediaries so like facebook and uh, twitter instagram basically uh, it is based upon the number of users <coughs> these are called the significant social media intermediaries they will have to appoint a chief compliance officer and a nodal contact person for 24 7 coordination with law enforcement agencies in, in the government and in case of uh, messaging services like whatsapp they will have to Enable the identification of the first originator of, originator of information within India on its platform, and in case of receipt of any uh, content that has to be removed, they have it has to be removed within twenty-four hours of receipt of complaints by the law enforcement agencies to these uh, uh, social media intermediaries. Ministry of Information and Broadcast. Sting will have an fill, uh, make of oversight committees, which of course now the uh, the government is doing, and it will publish a charter for these self-regulating bodies, which have been formed by significant social media med intermediaries and social media inter intermediaries themselves. So. <clears throat> the rules are basically aimed to uh, respect all the rights of the citizens are mentioned in the article 14 19 and 21 and uh, uh, the working of grievance appellate committee uh, will be done by a chairperson and two whole time correct uh, whole time members would be there who would be assisted by subject matter experts and this uh, grievance appellate committees will basically assist the uh, self regulatory bodies of these social media intermediaries uh, in disp online disp uh, dispute resolution and uh, to make that entire appeal process online. <clears throat> so the next topic is nasal vaccine. This topic is important for your science and tech section. So government has recently approved the inclusion of intranasal uh, COVID vaccine in the vaccination program as a booster dose for adults. So this vaccine, of course, is given by uh, the nose, given via nose, and that's why it is able to tap the respiratory path pathways. The vaccine is sprayed into the nostrils using a small syringe. Of course, it is not having a needle, and it offers another kind of immunity, which generally occurs in this, uh, nose, uh, the nose, in the cells uh, that uh, line the nose and throat. So basically, it targets another type of uh, cells uh, in the body, uh, the mucosal uh, membrane and tissues. Because the corona, when it enters from your uh, nose or throat, uh, the these these cells, the, these immune cells, would be able to uh, neutralize that virus at the target site itself. Okay so the next topic is green steel this topic is important for both your environment and economy section so union minister of steel has told Sabha that government is considering mandating green steel and uh, government projects and the emissions from this sector uh, because uh, it has become highly polluting uh, the government has been able to only marginally redu marginally reduce emissions from this sector so that's why it has become important and uh, if we look at the rn and steel sector of india india has the, become the second largest crude steel Producer, we have doubled our capacity to uh, 120. Million tons in the last eight years, and government has also launched this national steel policy. So in 2017, uh, these are the factors responsible for the location and distribution of steel industries in India. But what is green steel? So green steel is basically steel without uh, made without the use of fossil fuels. Generally, we uh, we aim to use green hydrogen in the manufacturing of steel, and but there are challenges. Of course, uh, green hydrogen is not easily available. All steel cannot be green. Uh, the cost of green steel is also uh, humongous and it would require billions of dollars of investment. That's why the way ahead is to shift towards uh, uh, electric arc furnace as soon as possible and scale up this technology to uh, minimize the costs. So the next topic is Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. So recently, the uh, it has been informed to the parliament that Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana will also have insurance coverage to fishers. So it was launched in 2020 uh, as part of the Atmanirbhar Bharat scheme uh, to, to generate employment in the uh, fish cultivation sector and to breed uh, quality brood seed and feed and species uh, and ensure species diversification. It's an umbrella scheme having both uh, uh, central co sector component and Centrally sponsored uh, scheme components. And it will. Uh, it is aimed to enhance production and productivity of the fisheries sector, infrastructure and post-harvest management of the, in the sector and fisheries management and regulatory framework. It is being implemented in all states and union territories for a period of five years. Um, so basically, activities like fishing vessel insurance, supporting new upgrade, uh, new or upgrade of fishing vessels, aquaculture. So all these all these projects or related projects are supported uh, by the government, and it also also now provides insurance coverage to fishers. So the next topic is Nirman Accelerator Program. This topic is a part of our economy section. Recently, Ministry of uh, Science and Technologies has uh, uh, informed that fifteen startups have been selected for Nirman Accelerator Program. So it is basically the first cohort of this program, which has been launched by Startups Incubation and Innovation Center at IIT Kanpur. <clears throat> Department of Science and Technology would be helping it, and basically uh, the aim is to nurture startups through support and sc uh, scaling their innovations. Uh, the funding would be given by the National Science and Technology. Entrepreneurship Development Board, and uh, generally uh, three to in three to six months, the uh, entire uh, innovation would be fast tracked, and the, uh, this uh, program would help the, these uh, far far, uh, these uh, uh, for, uh, these startups to uh, scale up their production or scale up their ideas. So uh, of course the aim is to fast track the growth of these startups and uh, also to attract subject matter experts and uh, help the uh, help in building up of the uh, vibrant uh, startup ecosystem in the country uh, there are two broad types of course sectoral programs are particularly for those startups who are in theme based or certain sector based startups like uh, they are working in smart cities or healthcare sectors or in space technology and there are certain non sectoral programs also which are basically relevant for the particular location. In which they are uh, they are uh, located, or they are generalized startups. Okay so the next topic is acidification of great lakes this topic is important for your environment section so recently a study has been made by NOAA and it has said that great lakes are also acidifying at the level that by 2100 great lakes of North America might also be as acidic as the oceans so of course the, uh, there is increase in atmospheric carbon dioxide which has which is leading to world's oceans becoming more acidic and uh, what is acidification so when protons are released from certain substances into the ecosystem they they increase the acidity of both water and soils. Uh, the excess carbon dioxide in the atmosphere also gets rapidly absorbed uh, by these water bodies and it leads to decrease in uh, biodiversity, creation of uh, physiological challenges for organisms, and also permanently altering the structure of the ecosystem. So, these great lakes are uh, in the US are five interconnected bodies of uh, water uh, at the US Canada border. Uh, these are the Superior Lake, Michigan Lake, Huron Lake, Erie Lake, and Ontario Lake. And they all drain into gulf of st lawrence in uh, north atlantic they carry about one third of oh, i'm sorry one fifth of world's total fresh water <clears throat> so the next topic is Patriot system. This topic is important for your security section. Recently, Biden administration has announced that they will be giving 1.85 billion dollar of military aid to Ukraine again, and uh, this would also involve Patriot in uh, air defense system. It's a surface-to-air de missile defense system which was first used in 1991 uh, Gulf War. It's a mobile system and its radar has a range of about 450 kilometers. The uh the system is very uh, high in demand in the middle east because of the threat from iran and uh, according to the company which has made this uh, this system has it has said that about 150 ballistic missiles have been intercepted by this system since 2015 so, the next topic is Startup India Seed Fund Scheme. This topic is also important for your economy section. Minister of State in the Ministry of Science, Commerce and Industry has said that 656 startups are supported by the approved incubators under the Startup India Seed Fund Scheme which basically aims to give financial assistance to startups at various uh, levels of their development. So, Depart uh, DPIIT is the nodal department of this scheme and uh, there are certain eligibility criteria for startups which can be supported by the scheme of course uh, uh, the startup should not be uh, moved than two years old, uh, it should not have received any uh, more than uh, 10 lakh rupees from any central or central state government scheme. Uh, it should not be, uh, or the individual entrepreneurs are not uh, eligible to apply, and the shareholding uh, should be at least 51% owned by an Indian entrepreneur or an Indian uh, promoter the next topic is facial recognition technology this topic is also important for your uh, security section so you know that uh, with expansion of internet the facial recognition technology of biometric information is also increasing so it um, uh, this facial recognition means a technology which is capable of identifying or verifying a subject through an image Video or any audiovisual element. So generally, biometric identification is done, and it collects a set of bi unique biometric data to identify a face. So uh, just from uh, starting from your mobile phone uh, to uh, or even opening a bank account using your videos, uh, the uh, this facial recognition technology is expanding its base now. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.